नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। गंगा के जलस्तर में वृद्धि के बाद हर तरफ बाढ़ से त्राहिमाम मचा है, लेकिन मुंगेर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल आपको बता दें कि एक और जहां बाढ़ का पानी हर तरफ लोगों को परेशान कर रहा है, तो वही दूसरी तरफ जो तस्वीर मुंगेर की देखने को मिली, मुंगेर के जमालपुर के प्राथमिक विद्यालय की तस्वीर देखने को मिली, जहाँ पर एक स्कूल में पानी इतना बढ़ गया कि शिक्षक वहां से हटकर हाईवे पर बैठकर हाजिरी बनाते नजर आए। दरअसल आपको बता दें कि बाढ़ के पानी में बढ़ोतरी देखने के बाद स्कूलों को बंद किया गया है। ऐसे में शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना है, लेकिन शिक्षकों को स्कूल में बैठने की भी जगह नहीं है। बाढ़ का पानी 4 से 5 फीट तक पहुँचा हुआ है। ऐसे में शिक्षक एनएच पर बैठकर अटेंडेंस बनाते नजर आए। बता दें कि इस वक्त बाढ़ ने हर तरफ तबाही मचा रखी है, चाहे वो भागलपुर जिला हो, मुंगेर हो या फिर अन्य जिले की क्यों ना हो, हर जगह बाढ़ के पानी से लोग परेशान हैं। सिर्फ लोग ही नहीं, जानवरों का भी बुरा हाल है। ऐसे में कई स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया गया, लेकिन शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस बनानी है। इसी कड़ी में ये तस्वीर सामने आई है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको डिटेल्स बताते हैं। ऑनलाइन अटेंडेंस के नियम के चलते जमालपुर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय घटवा टोला बोचाही के शिक्षकों ने ऐसा काम किया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। गुरुवार की सुबह स्कूल में बाढ़ का पानी आया, जिस वजह से विद्यालय में करीब 4 से 5 फीट पानी जमा हो गया, जिसके बाद विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक और शिक्षक ने विद्यालयों की छुट्टी कर दी, लेकिन खुद की ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए नेशनल हाईवे पर कुर्सी डाल ली। विद्यालय के प्रभारी हेडमास्टर प्रभात रंजन, शिक्षक प्रेम कुमार और प्रशांत कुमार विद्यालय के सामने बड़ियारपुर मुंगेर जाने वाली मुख्य सड़क NH 80 पर टेबल कुर्सी लगाकर कड़ी धूप के बीच अपने काम करते नजर आए। शिक्षकों की स्थिति को देख मुख्य सड़क से आने जाने वाले लोग भी हैरान रह गए। हेडमास्टर ने बताया कि हमारा स्कूल में पानी बढ़ गया है, हम लोग यहाँ रोड पर बैठे हुए हैं क्योंकि ऑनलाइन हाजिरी बनानी है। इसके कारण विद्यालय के पास से कहीं जा भी नहीं सकते, इसलिए विभाग के आदेशानुसार विभागीय काम सड़क पर बैठकर करना पड़ रहा है। विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है, अब जैसा आदेश आएगा वैसा किया जाएगा। बता दें कि इस विद्यालय में कुल 56 नामांकित छात्र हैं। वहीं जिले में बढ़ते बाढ़ को देखते हुए DM अवनीश कुमार सिंह ने सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। DM ने मुंगेर में बाढ़ प्रभावित कुल 51 सड़कों को चिन्हित करते हुए तत्कालीन 3 दिनों के लिए बंद रखने को लेकर निर्णय लिया है। आगे बाढ़ की क्या स्थिति रहेगी उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि ACS सिद्धार्थ ने 27 अगस्त 2024 से टीचर्स को ऑनलाइन अटेंडेंस को लागू करने के सख्त निर्देश दिए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि 1 अक्टूबर से केवल उन्हीं शिक्षकों को वेतन दिया जाएगा जिनकी एप्लीकेशन पर ऑनलाइन अटेंडेंस होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव, पटना।